द्वापर युग से है और इसकी जो है कम से कम 12 शाखाएं थी जो फैलती जा रही है। यहाँ बात हो रही है बरगद के पुराने वृक्ष की जो फतेहगढ़ साहिब के गांव चोटली में है। यह वृक्ष जितना विशाल है उतना ही रहस्यमय भी है। अब आप अंधविश्वास कहिए या आस्था, बरगद के इस पेड़ से जो कहानियां जुड़ी हैं उन्हें सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। करीब 2 एकड़ में फैले इस वृक्ष से लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। लोग इसकी पूजा करते हैं, इस जगह पर यज्ञ होते हैं, भंडारों का आयोजन होता है। इस वृक्ष का रखरखाव रखने वाला महंत बलविंदर गिरी के अनुसार ये वृक्ष द्वापर युग का है, जिसकी शाखाएं लगभग लगातार बढ़ रही हैं। यहाँ लोगों की मान्यताएं पूरी हो जाती है और इसे हानि पहुंचाने वाले को बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है। करीबन 4 एकड़ में फैली हुई है, धीरे धीरे फैलता ही जा रहा है। पहले इसकी यहाँ से शुरुआत हुई थी, इसकी 2 शाखाएं थी, 2 से आगे 12 में हुई, 12 से अभी 24 में हो चुकी है। अभी धीरे धीरे आगे और फैलता ही चला जा रहा है। अभी भी बहुत घटनाएं हुई हैं, अगर किसी ने इसकी टहनी तोड़ी है या कुछ भी ऐसा किया है तो उसका नुकसान करती भी है। बाकी अगर अपनी मन से कोई इसकी इच्छा रख ले उसकी इच्छा पूर्ति भी करती है। 4-5 प्रोग्राम हो जाते हैं, बाकी संगतों का रहा आसपास के लोकल लोग जो है आते रहते हैं और थोड़े इधर हम कुछ भगत है कि जो कर जाते हैं थोड़ी बहुत सेवा। सरकार से तो एक यही मांग है, जितना इसका नुकसान हो रहा है ना, जिस तरह इसके टाने टूटते हैं हमें दर्द उठता है और इस पे जो ग्लो बेल है, ये ग्लो बेल इसको खासा नुकसान पहुंचा रही है। ये इसके जकड़ देती है और टूट जाता है एक टाना। इतने टाने अभी पिछले साल कई टाने टूट के गिर चुके हैं। ये अभी 3 साल पहले आए थे, करके गए थे, डीसी वगैरह ये सब आए थे, इन्होंने पता नहीं अपनी तरफ से क्या किया क्या नहीं किया, हमको बोलते रहे कि हम लोग ये कर देंगे, यहाँ पे ऐसा वो करेंगे, पर अभी तक कोई सुधार नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि एक ऋषि यहाँ पूजा करता था, जिसके दिए भभूत से यहाँ बरगद का पेड़ पनपा था। पहले यहाँ कुछ भी नहीं होता था, एक इंसान जिसकी कोई संतान नहीं थी और वह यहाँ खेती करता था, उसने उस साधु को यह बात बताई और साधु ने उसको वो भभूत अपनी पत्नी को देने के लिए कहा, लेकिन उसकी पत्नी ने वो भभूत नहीं लिया और जमीन पर फेंक दिया, जिससे ये बरगद का पेड़ आज जन्मा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल 18 न्यूज़। ताज़ा अपडेट्स के लिए नेशनल 18 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।